दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी 12 5G में आप कैसे अलार्म सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, आपको जाना है अपने क्लॉक एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आपको ढूंढना क्लॉक एप्लीकेशन कहाँ है, तो यहाँ पे आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्लॉक ऐप जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको अलार्म जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलार्म, तो आप अलार्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 6 AM लिख रहा है ना, 6 AM पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको टाइम सेट कर लेना है कि कितने बजे आपके अलार्म बजनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्लाइड डाउन करेंगे और जितने बजे भी आपको अलार्म बजाने, जैसे मैं 5:30 बजे चाहता हूँ, 5:30 बजे में अलार्म बजे, तो उस पर क्लिक कर देंगे। फिर AM PM इस तरीके से आपको स्लाइड कर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से ऑन कर देना है और आपकी जो अलार्म है यहाँ पर आप देखिए 20 घंटे 30 मिनट बाद बज जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिंगटोन पर क्लिक करेंगे। तो रिंगटोन पर क्लिक करके आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं रिंगटोन कौन से आपके बजने चाहिए जब आपके अलार्म बजे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर करके देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है अच्छी है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे और आपके उसके बाद ओके करके यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिंगटोन पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे चूज ऑनलाइन रिंगटोन पर क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन में यदि कनेक्ट होगा इंटरनेट तो यहाँ पर आपके जो बहुत सारे रिंगटोन्स हैं वो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन आपको देखने को मिलेंगी। तो आप उस पर क्लिक करके कोई भी रिंगटोन प्ले करके उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग चल रही है, डाउनलोडिंग चलने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन मतलब यहाँ पे जो अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है रिंगटोन। उसके बाद अगर आप और भी रिंगटोन यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो और भी रिंगटोन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद पीछे जाते हैं और यहाँ पे कह रहा है रिपीट डेली, कि आप इस जो आपके अलार्म बजेगी वो आपकी डेली बजनी चाहिए या एक बार बजनी चाहिए। यदि आपको एक बार बजानी है यानी कि 20 घंटे बाद जो बजेगी उसके बाद बजनी आपकी बंद हो जाएगी और उसके बाद डेली पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी डेली अलार्म बजेगी। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहते हैं कस्टम पर क्लिक करके कौन कौन से दिन आपको अलार्म सेट करनी है वह यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे मंडे थर्सडे और फ्राइडे यहाँ पे अलार्म सेट करना चाहता हूँ तो इन दिनों अलार्म आपकी बजेगी, उसके बाद नहीं बजेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वाइब्रेट व्हेन अलार्म साउंड, यानी कि जब अलार्म आपकी बजेगी तो वाइब्रेशन बजनी चाहिए उसके साथ, नहीं बजनी चाहिए। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप उसके साथ आपकी अलार्म बजनी चालू हो जाएगी। उसके बाद लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल में जैसे मैं आप लिख देता हूँ आज पेपर है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको सेट कर देता हूँ और सेट करने के बाद जब अलार्म बजेगी ना तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा आएगा कि आज पेपर है, यानी कि पेपर की तैयारी करनी है। इस तरीके से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसका अलार्म सेट करने के बाद आप दूसरे भी अगर आप सेट करना चाहते हैं, 5 बजे की होगी, आप 6 बजे करना चाहते हैं 6 बजे कर सकते हैं, जितने भी टाइम पर आप लगाना चाहते हैं दूसरे को भी आपको इस तरीके से इनेबल करके और यहाँ से एडिशनल सेटिंग हो जाके आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे।